आप खूप छान बोलले महाराज. यानंतर मी डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी यांना विनंती करतो की त्यांनी थोडं 2 मिनिटं बोलावं. जय श्रीराम. आज सद्भाव की जब व्याख्या होती है तो सद्भाव के साथ हम लोग देखते हैं उसका जो है विरोधाभास शब्द को ढूंढना चाहिए, तभी हम सद्भाव पर जाते हैं. ये सद्भाव जैसे हमारे यहाँ ये 2 शब्द होते हैं, एक स्वार्थ होता है दूसरा परमार्थ. हम समर्पण के भाव जब देखते हैं जब हम परमार्थ की ओर जाते हैं. स्वार्थ और परमार्थ में व्याख्या हम करते हैं, अयम निजह परो वेति गणना अलग चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम. हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि हम जो है वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से काम करते हैं, लेकिन आज जो है स्वार्थ में लोग अंधे हो गए हैं, धर्मांध हो गए हैं. इसलिए जो है धर्म की जो है गलत व्याख्या करके हमारे देश की जो परंपरा रही है उसको गलत परिदृश्य दर्शाया जा रहा है. असली भारत को जो है दूसरे भारत के रूप में परिलक्षित किया जाता है, जबकि हमारा असली भारत क्या था, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गास पवर्गास पदमार्ग भूते भवंत भूय पुरुषासुरत्वात्. ऐसी भारत भूमि पर जहाँ देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते थे, आज भारत तो वही है लेकिन आज उसका परिदृश्य जो है एकदम जो है बदल गया है. उसमें हमारे ऋषि तुल्य जो महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए मनीषी लोग हैं, सब लोग चिंतन करें, मनन करें, हमारे पुनः उस गौरव को लाएं. जो आज धर्मांधता बढ़ रही है, लोगों के अंदर जो है द्वेष की भावना बढ़ रही है, अमन चैन खुशहाली कायम हो. बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी विराम देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं राम राजे अतराम जो ट्राइबल संस्था के अध्यक्ष है, मैं उनसे विनंती करता हूँ कि वो अपने विचार रखें.